68वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता में बस्ती की टीम ने गोरखपुर को शिकस्त देते हुए प्रतियोगिता के चल बैजंती खिताब पर कब्जा कर लिया। विजेता एवं उप विजेता टीम को एडीजी दवा शेरपा ने शील्ड देकर पुरस्कृत किया तथा खिलाड़ियों को भी स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडीजी दवा शेरपा के अलावा आयोजन सचिव एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, एसपी क्राइम अशोक वर्मा, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह, पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे सहित पुलिस के अन्य अधिकारी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वीर बहादुर सिंह स्टेडियम के मैदान पर चल रहे 3 दिवसीय 68वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा ने विजयी खिलाड़ियों एवं आयोजकों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर आयोजकों द्वारा अपने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, गोरखपुर जिले के अस्पताल अंतर जनपदीय आपकी प्रतियोगिता जो हमारे यहाँ का पुराना है, मैंने इस गाँव में ज्यादा ही पकड़े और अंतिम खिलाड़ी हैं सुनील कुमार पांडे।
बस्ती को बहुत बहुत बधाई। वास्तव में हॉकी के लिए बहुत जगह प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको ग्राउंड नहीं है, लेकिन समझ सकता हूँ। और चूंकि ये अपने ड्यूटी के टाइम से इतर समय निकाल के खेलने वाली चीज है, तो प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त तो समय भी नहीं मिल पाते हैं। तो फिर भी एक स्तरीय हॉकी का प्रदर्शन आपने किया, ऐसा मुझे बताया गया है। सौभाग्य से गोरखपुर में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम उन लोगों को मिला है, इसे जनपद गोरखपुर और आसपास के जो भी हॉकी प्रेमी है और हॉकी खिलाड़ी है उनको बहुत हमारे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप सबने प्रतिभाग करके जो खेल भावना को प्रकट किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आयोजन सफल आयोजन करेंगे SSP गोरखपुर। मैं से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं बधाई देता हूँ। अब मैं इस आयोजन का घोषणा कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर जोन की 68वीं अंतर जनपदीय वार्षिक पुलिस हॉकी प्रतियोगिता वर्ष 2019 के समापन का घोषणा करता हूँ। गोरखपुर जोन के जो जनपद स्तरीय टीम है उसको अंतर जनपदीय प्रतियोगिता आज यहाँ समापन के कार्यक्रम में आया हूँ और बस्ती जनपद इसमें विजयी हुए, गोरखपुर उपविजेता रहे। सभी लोगों ने अच्छी कोशिश की है और हॉकी एक ऐसी गेम है जो कभी हमारे देश में इसको महारत हासिल थी, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें बदली है। एस्ट्रोटर्फ आने के बाद अचानक फिर देश में इस गेम में बिल्कुल बहुत कठिनाइयां खिलाड़ियों को करना पड़ा है और कुछ इसके नियमों में भी परिवर्तन हुए, लेकिन अब हाल में आपने देखा होगा हाल के वर्षों में तो पुनः फिर हॉकी विश्व पटल में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छे परिणाम ला रहे हैं। और उसमें साथ ही साथ गोरखपुर में भी एक अच्छा स्टेडियम आपने देखा होगा, ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है ये मिला है। ये भी बेहद खुशी की बात है कि हॉकी प्रेमी खिलाड़ियों को इसे अपने हुनर को बेहतर करने में बहुत मदद मिलेगी।